चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गई। ऐसे अभिनेता जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके लफ्जों से ज्यादा उनकी आंखें बोल जाया करती थी, इरफान जब भी पर्दे पर आया करते थे तो अपने अभिनय से मानो किरदार को एक नया जीवन दे दिया करते थे। शायद यही कारण था कि 2006 में उनकी फिल्म ने शर्मिला टैगोर को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने खुद इरफान को फ़ोन करके उनके माँ बाप का शुक्रिया किया कि उन्होंने दुनिया को एक बेहतरीन अभिनेता दिया। इरफान को फिल्मों में मुकाम हासिल करने में भले काफ़ी वक्त लगा हो, लेकिन असफलताओं की सीढ़ी चढ़कर इरफान ने आखिरकार सफलता पा ली। खासतौर से मुझे जैसा लगता है, मेरे साथ हुआ तो पहले सिर्फ नेम और फेम आपके दिमाग में होता है कि आप नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आप ऑटोग्राफ देंगे, इस तरह का एक सपना होता है टीनेज में, इस तरह से आप देखते हैं। लेकिन जब आप उस जर्नी पे निकलते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो वो सपना अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। तो उसके साथ सिर्फ नेम और फेम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुड़ जाती हैं, जो आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितना नेम और फेम ज़रूरी है। 2007 में उनकी आई फिल्म मेट्रो के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इरफान ने न सिर्फ भारतीय फिल्मों में काम किया बल्कि ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा गाड़ा। इरफान हमेशा से शांत स्वभाव के थे, इसलिए उनके किरदार के साथ साथ उनका स्वभाव भी लोगों के दिलों में छा जाता था। अपनी बीमारी के इलाज के लिए 2018 में इरफान ने फिल्मों से एक साल के लिए दूरी बना ली। 2019 में आई उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। पद्मश्री से सम्मानित इरफान खान के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी ये लाइन बहुत याद आती है। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go, but what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.